हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल। घर आ गए आप पेपर देकर। इंग्लिश का कैसा हुआ आज? अच्छा हुआ। व्हेन आई वाज इन माय स्कूल माय चिल्ड्रन थ्रोंग्ड मी एट 12:30। दे वर वेरी हैप्पी दैट सर इट वाज सो इजी। क्या आपने भी अपने टीचर को ऐसा ही रिस्पांस दिया जब 12:30 बजे आपका पेपर ख़त्म हुआ? कौन कौन बच्चा अपने टीचर से मिला और उसको थैंक यू किया? शो योर ग्रेटिट्यूड टू योर टीचर्स हु वर्कड हार्ड विद यू होल ईयर इन दिस डिफिकल्ट ईयर COVID-19 का, है ना। और थैंक्स कीजिए बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन भिवानी का भी कि मेरा दावा है 9th क्लास यू कुडंट हैव एक्सपेक्टेड ईजियर क्वेश्चन पेपर देन दिस वाज। या एग्री विद मी, येस और नो कमेंट सेक्शन में लिखिए कि इससे आसान पेपर मिल सकता था या नहीं मिल सकता था, बताइए आपका। नहीं, क्योंकि ये पहली बार था कि आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इतने सारे मिले। कॉम्प्रीहेंशंस में देखिए आप, पैसेजेस आए हुए थे कितने सारे, या और ग्रामर कितनी इजी थी। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के कारण इट वाज मेड सो इजी फॉर यू। सो थैंक्स टू योर टीचर्स, थैंक्स टू बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन हरियाणा। और एक और का भी थैंक्स करना मत भूलना। कौन नाम लिख दो उसका। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, हमने सॉल्व किया फर्स्ट ऑफ ऑल हिंदी का आपका क्वेश्चन पेपर, और फिर हमने हल किया SST का। और आज क्योंकि आप देकर आए हैं इंग्लिश का, तो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आज इंग्लिश का सोल्ड क्वेश्चन पेपर। क्योंकि बहुत से बच्चों ने मुझे कमेंट किया है कि सर कम विद सोल्ड, कम विद आंसर की, सो आई विल नॉट कीप यू वेटिंग एनी मोर। चलिए देख लेते हैं। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े, मैं कहना चाहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि 10th में भी, उसके बाद नेक्स्ट ईयर 11th में भी, और उसके बाद 12th में भी सभी लेसन्स आपके लिए वेरी मच रेडी। दीज आर आई एम रेडी विद ऑल योर कमिंग 3 क्लासेस। तो मेरे साथ बने रहना है 10th में भी। आप कहें कि सर कब से शुरू कर रहे हो 10th? अरे आप बताएंगे, बताइए आप। आ लेटर टू गॉड कब भेजूं? आप कब तैयार हैं? चलो अभी पेपर दे लो पहले सभी, ठीक है। तो आज हम हिंदी और SS की तरह ही इंग्लिश का आपके लिए आंसर की लेकर आए हैं। इस क्वेश्चन पेपर के सॉल्यूशन के बाद आप मुझे बताएंगे कि सर मेरे SS में इतने आ रहे हैं, मेरे हिंदी में इतने आ रहे हैं, और आज आपने इंग्लिश का बताया तो मेरे इतने आ रहे हैं। चलिए ठीक है। आज तो अलग अलग बता देना मुझे कि रीडिंग के 10 मार्क्स में से इतने ठीक हैं, राइटिंग के 10 मार्क्स में से इतने ठीक हैं, ग्रामर के 15 में से इतने ठीक हैं, और प्रोज और पोइट्री में 45 में इतने ठीक हैं, इस तरह से, और 80 में से इतने आ रहे हैं। चलिए शुरू कर देते हैं फटाफट से। कहाँ से शुरुआत की है आपने? चलो अनसीन पैसेज उठा लेते हैं। देखा था कभी ये पैसेज? नहीं तो क्या आंसर लिख कर आए हो? वट आर बीज? अरे फर्स्ट 3 वर्ड ही तो आंसर थे। बीज आर इंसेक्ट्स, ए इज द राइट आंसर। हाउ डू बीज फ्लाई? दे यूज देयर विंग्स। ठीक है, किसके 2 में से 2 ठीक हैं अब तक? चलिए बता दीजिए। किसके 2 में से 2 ठीक हैं? चलिए बता दीजिए। थर्ड में क्या करके आए हैं? हाउ मैनी लेग्स डू बीज हैव? दीजिए, देखिए आप, ये लिखा हुआ है यहाँ पर 6। दे हैव 6 लेग्स। एंड वट इज द स्टिंगर यूज फॉर बाइटिंग? कैसे, क्यों? वट इज द स्टिंगर यूज फॉर? किस लिए यूज होता है वो स्टिंगर? डंक, टू डिफेंड अगेंस्ट एनिमीज। बी क्या करके आए हैं? फोर्थ में देखिए, वेयर डू बीज लिव? ए नॉर्थ अमेरिका, एशिया, अंटार्कटिका। एंड बोथ ए एंड बी? नो, अंटार्कटिका में तो वो नहीं रहते हैं, तो कौन सा ठीक है? नॉर्थ अमेरिका में भी रहते हैं, एशिया में भी रहते हैं। क्या करके आए हैं? डी करके आए हैं कि नहीं आए हैं? तो बता दीजिए सर, मैं फर्स्ट पैसेज करके आई थी और मेरे 5/5 हैं, आ जाइए। सेकंड जोन से करके आए हैं, 3 दिए गए थे 2 करने हैं। टूरिस्ट वाला देखिए आप। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या था? वेयर इज द फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस सिचुएटेड इन श्रीनगर? ये देखिए आप, इस लाइन में इसका आंसर ऑन द डल लेक। एज सिंपल एज इट वॉज। वट इज द स्पेशल अबाउट द सील यूज इन द पोस्ट ऑफिस?
इट इज हैविंग डिजाइन ऑफ अ बोटमैन रोविंग अ शिकारा ऑन द डल लेक. कौन कौन लिख रहा है ये आंसर? सेवन किस किस के हो गए? हु रीनेम द पोस्ट ऑफिस एज फ्लोटिंग पोस्ट ऑफिस? वो थे चीफ पोस्ट मास्टर. ए इज द राइट आंसर. विच इज द ग्रेटेस्ट फियर दैट द पोस्ट ऑफिस हैज? फियर ऑफ फ्लड्स. यस, कौन सी फ्लड्स कब आई थी? पांचवा था ये 2014 में. इस तरह से जोन से भी बच्चे पहला और दूसरा पैसेज करके आए हैं. तीन में से दो करने थे ना, आपका हो गया. चलिए अभी नीचे चलिए कि कमेंट सेक्शन में सर 10 में से 10 आ गए हैं. और जो बच्चे पहला छोड़कर तीसरे पर गए थे या दूसरा छोड़कर तीसरे पर गए थे उनके लिए मैं आ रहा हूँ. चलिए जिन्होंने फर्स्ट और सेकेंड अटैम्प्ट किया है आपका हो गया है रीडिंग सेक्शन में 10 नंबर का. और बता दीजिए कि सर इतने आ रहे हैं, इतने में जो तीसरे करके आए हैं. वी शुड बी सिलेक्टिव बिकॉज इट वॉज डिफिकल्ट वन देन ए एंड बी सी जो था ये डिफिकल्ट था. थोड़ा सा मैं कहूँगा वी शुड बी सिलेक्टिव बिकॉज देयर इज अ ग्रेट नंबर ऑफ बुक्स अवेलेबल टू अस. ए इज द राइट आंसर. किस किस का ठीक है? वी शुड अवॉइड दोज बुक्स विच करप्ट आवर लाइव्स बाय सजेस्टिंग ईविल्स. ये देखिए आप आंसर बिल्कुल लिखे हुए थे. आपने तो फाइंड भी नहीं करना था, चार में से एक लिखा था सही, वो छांटना था बस, पिक करना था. थर्ड में कौन करके आया? द बुक्स विच हैव स्टूड द टाइम द टेस्ट ऑफ टाइम आर कॉल्ड क्लासिक्स. डी इज द राइट आंसर था इसके अंदर. कौन कौन करके आया है? चलिए जिसने ए और सी किया या बी और सी किया है, और आप बता दीजिए जिन्होंने ए और बी किया था 10 में से कितने आ रहे हैं? इनके भी दो रह गए हैं थर्ड वालों के. मैं बता देता हूँ. व्हाट इज स्पेशल क्वालिटी ऑफ क्लासिक्स? क्या कि दे अफेक्ट आवर माइंड इन अ गुड वे? ये जो बुक्स होती हैं दे टीच अस समथिंग ग्रेट एंड ऑल्सो एंटरटेन अस. यस, दे help us in our spiritual growth. Yes, all of the above. D is the right answer. कौन कौन कर आए हैं बता दीजिए मुझे. An expression in the passage which means good effect is ennobling influence. यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो उनका असर पड़ता है हम पर, good effect पड़ता है, उसको हम ennobling influence बोलते हैं. या तो अब बता दीजिए आप, चाहे आपने A और B passage किया है तो 10 में से कितने आ रहे हैं reading में? चलिए reading पूरा हुआ आपका. या आपने B और C किया है तो भी बता दीजिए, या A और C किया है तो भी बता दीजिए. चलिए चलिए हम बढ़ रहे हैं राइटिंग स्किल की ओर. तो देखिए आप राइटिंग स्किल में क्या हुआ है. इट वॉज ईजी. ईजी बच्चे बहुत घबरा रहे थे, सर पैराग्राफ कैसे लिखेंगे बता दो ना, सर लेटर कैसे लिखेंगे, कौन सा लेटर आएगा, सर नोटिस कौन सा आएगा. तो ये देखिए आप क्या है, यू आर राहुल या रूही स्टेइंग एट 110 कुंज विहार दिल्ली. ये लिख दीजिए. ये क्या मिल गया आपको? भेजने वाले का पता, डेट डाल दीजिए. यू हैव सीन एन एडवर्टीजमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर इन डीप पब्लिक स्कूल रोहिणी. ये क्या मिल गया आपको? एड्रेसी टू द प्रिंसिपल डीप पब्लिक स्कूल रोहिणी. ये मिल गया, बीच में डेट डाल दो, आपका हेडिंग पूरा हो गया. एक नंबर ले लिया. सब्जेक्ट डाल दीजिए, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर. आपने रिस्पॉन्स करना है इस एडवर्टीजमेंट का, तो लिख दीजिए. क्या लिखेंगे इसके अंदर? देख पा रहे हैं आप रेड बॉक्स में क्या है? ये हेडिंग हो गया आपका. हेडिंग में क्या क्या होता है? लिखने वाले का पता, डेट, और जो जिसको पत्र लिखा जा रहा है. यहाँ पर किसको लिखा जाएगा? क्योंकि आप अप्लाई कर रहे हैं इंग्लिश टीचर के लिए, प्रिंसिपल को लिख दो या मैनेजर को लिख दो, दी पब्लिक स्कूल रोहिणी. सब्जेक्ट डाल दीजिए, एप्लीकेशन फॉर पोस्ट ऑफ इंग्लिश टीचर, और डियर सर, रिस्पेक्टेड सर. और एक और ब्लॉग बनाइए बॉडी के लिए. ये ब्लॉग आपने नहीं बनाने थे, ये मैंने आपको बताया है कि अ लेटर शुड बी हैविंग 8 थिंग्स इन इट. कौन कौन सी 8 चीज़ें हैं? देखिए आप सीरियल भी दिया है मैंने, इसको कहते हैं फॉर्मेट. मैंने आपको बार बार बताया है कि लेटर राइटिंग करते वक्त या राइटिंग स्किल का सोल्व करते वक्त आपने फॉर्मेट में रहना है. नोटिस के फॉर्मेट की 9 बातें, लेटर के फॉर्मेट की 8 बातें. ये देखिए आप, इसलिए मैंने स्केच से ब्लॉग बनाए हैं आपके लिए. रेड ब्लॉग देख रहे हैं, 1, 2, 3. चौथा देखिए सब्जेक्ट अंडरलाइन किया है आपके लिए. ब्लू देखिए आप, सैल्यूटेशन. उसके बाद ये देखिए जो है एक बॉडी आ रही है, बॉडी या इसको कहते हैं बॉडी आ रही है. उसके बाद योर्स फेथफुली सब्सक्रिप्शन आ रहा है, और अंत में सिग्नेचर आ रहा है, सिग्नेचर राहुल के रूप में. कौन कौन ऐसा करके आया? 5/5 आने वाले हैं. चलिए कि सर मेरा लेटर बिल्कुल ठीक है, मैं ऐसे ही करके आया. बॉडी में क्या लिखना था आपने? मैं पढ़ देता हूं एक बार, या आप पढ़ पा रहे हैं देख सकते हैं आप. ये 9वीं 10वीं में भी आ, ये 10वीं में भी आ रहा है, ये 11वीं में भी आ रहा है, ये 12वीं में भी आ रहा है. अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका.
यही है, नोटबुक पर लिख लीजिए, मेरा दावा है ये 8 बातें आपकी 12वीं में 11वीं में और 10वीं में काम आने वाली हैं, मैं करवाऊंगा आपको 10th में भी, नीड नॉट वरी। चलिए आगे बढ़ते हैं, किस किस के 15 में से 15 हो गए अब तक बता दीजिए। और एप्लीकेशन आई हुई है प्रिंसिपल के नाम, फीस माफ़ी आपने की है, यहाँ पर क्या आ रहा है, जुर्माना माफ़ी आ गई है, अरे बाप रे। You could not have expected easier question paper than this one. Oh my God, ये मैं नहीं लिखने वाला हूँ फीस माफ़ी, अपने आप लिखकर मुझे इस WhatsApp ग्रुप पर मेरे नंबर पर भेजिए कि सर इस तरह अटैम्प्ट करेंगे फीस माफ़ी की तरह, जुर्माना माफ़ी भी, बस यहाँ पर फीस की जगह फाइन आ जाएगा और कुछ नहीं था इसके अंदर, ये मैं नहीं सोल्व करने वाला हूँ, ए या बी में से एक करना था। चलिए आगे चलते हैं, नोटिस आ रहा है, अटैम्प्ट एनी वन नोटिस और पैराग्राफ में से एक दोनों करवा दूँ। चलो You are Rohan, President of English Literary Club of Government Senior Secondary School Kota. Draft a notice for your school notice board inviting the names of students for inter-house debate contest. अरे बाबा कुछ भी नहीं था इसके अंदर तो। कौन सी 9 बातें आपने ध्यान रखनी है, ये वाली, ये वीडियो देखिए आप मेरा फॉर्मेट ऑफ नोटिस पर, अगर आपने ये 9 बातें इस 3 लाइन की स्टेटमेंट में से निकाल पाए हो बता दीजिए मुझे, लिख के फ़ोटो खींचिए, PDF मुझे भेज दीजिए WhatsApp नंबर पर, मैं आपको बताऊंगा कि आपके कितने आ रहे हैं। वैसे अगर आपने इन 9 बातों का ध्यान रखा है, मैं आपको वीडियो दिखा दूं, तो ये था वीडियो नोटिस पर, इस तरह ही करके आए हैं तो आपके यहाँ भी 5/5 आ रहे हैं, यानी 10 पैसेज में से 5 लेटर में से और 5 नोटिस में से, किसके आ गए 20 में से 20 लिख दीजिए। और अगर किसी ने पैराग्राफ किया है कोरोना वायरस पर, ओह माय गॉड, कोरोना वायरस पर तो आजकल 1 साल से कुछ है ही नहीं, हमारे चारों तरफ यही घूम रहा है, यही 5 मार्क्स घूम रहे थे, क्या करना था अपना, कोरोना वायरस के बारे में आपने जो जो भी सुना है लिख दीजिए, सबसे पहले लिख दीजिए कि ओरिजिनेटेड फ्रॉम, कहाँ से ओरिजिनेट हुआ आपको पता लग गया है, और इसके सिम्टम क्या क्या हैं, आपको सांस में दिक्कत होती है, फीवर होता है, कफ होता है और निमोनिया हो जाता है ना, फ्लू हो रहा है आपको, या ये कई बार असिम्टोमेटिक भी होता है, ये और लिख दीजिए इसका इनक्यूबेशन पीरियड क्या है, 1 से 14 दिन तक ये जो है रहता है, तो हमें 14 दिन तक इसलिए क्वारंटाइन किया जाता है, ये कंटेजियस डिजीज़ है और किन किन देशों में ये स्प्रेड हुआ है, ये तो ऑल ओवर द वर्ल्ड हो गया बाबा, 28 लाख लोग तो मर भी गए इससे, 200 कंट्रीज में, और स्पेशली लिख दीजिए UK में, US में, इंडिया में, ब्राज़ील में सबसे ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हुई हैं, इसका शिकार हुए हैं, और क्या लिख सकते हैं इसके बारे में, प्रिवेंटिव मेजर हैं, मास्क डालो भैया, SMS क्या है, सैनिटाइज करते रहना है हाथों को बाबा, और M से क्या बनाते हो आप कि 1 मीटर डिस्टेंस रखना है आपने, मास्क डालना है, यस, और SMS में क्या होता है, स्पेस जो है अपना डिस्टेंस बनाए रखना है, या तो इस तरह से आप ये सब बता दीजिए, 1 साल से क्या चल रहा है, यही सब तो चल रहा है, और नंबर ऑफ डेथ्स बता दीजिए वर्ल्ड वाइड कितनी हो गई हैं, तो इस तरह से 10 लाइनें आपने कोरोना वायरस पर लिख देनी थी और आपको मार्क्स मिल जाने थे, ठीक है, ये तरीका होता है। एक और भी मैंने आपको बताया था, अगर आ जाए इंपॉर्टेंस ऑफ योगा, मेरा ये वीडियो देखिए इस पर भी, कि आप ये मत कहिए कि सर इंपॉर्टेंट पैराग्राफ बता दो, अरे मैं आपको 5 इंपॉर्टेंट पैराग्राफ बता देता हूँ, अगर 6th आ गया तो क्या करोगे, तो आप ये कहिए कि सर हमें बताइए कि पैराग्राफ लिखते कैसे हैं, लिखने की विधि बताइए, लिख तो हम देंगे फिर, 10 लाइनें तो लिखनी है, 80-100 वर्ड्स में तो लिखना है, 10-12-15 लाइनें किसी भी टॉपिक पर, इवेंट पर, डिस्क्रिप्शन पर, अब ये कोरोना, अरे बाप रे साल से तो कुछ सुन ही नहीं रहा ईयर्स को, कोरोना ही कोरोना है, लिख दो कुछ भी इसके बारे में, वो पैराग्राफ है, एक पैरे में लिखना है आपने, ठीक है, तो चलिए बता दीजिए 20 में से 20 किसके हुए हैं अब तक, आगे बढ़ते हैं, ये हो गया 20 का, अब आ गए हैं हम ग्रामर सेक्शन पर, क्या थे सबसे पहले मॉडल आए हुए थे, फर्स्ट क्या था, We respect आवर एल्डर्स, वी शुड, कौन कौन लगाकर आया है, चलिए लिख दीजिए मॉडल में, पहला ठीक है सर, God bless you, विश है मेरी, मे गॉड ब्लेस यू चिल्ड्रन, विश है, यहाँ पर मे आएगा, कौन कौन लगाकर आया है लिख दीजिए अपना नाम, स्कूल का नाम भी लिखना और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन करना, शी
कैन स्विम वेरी वेल, अक्षमता है, किसी की अक्षमता है, एबिलिटी की बात हो रही है। तो ये 3/3 किस किस के आ गए हैं मॉडल्स में, 15 करने हैं आपने, कोई से 18 में से 15 करने हैं आपने। फिल इन द ब्लैंक सूटेबल आर्टिकल्स, आर्टिकल में क्या था, क्रिसमस फॉल्स ऑन डैश 25 दिसंबर, तो इसमें क्या आएगा, क्रिसमस फॉल्स ऑन 25 दिसंबर, बाबा कुछ भी नहीं आएगा, नो आर्टिकल। किस किस का ठीक है बता दीजिए। मोहन्स फादर इज एन इलेक्ट्रिशियन, किस किस का ठीक है, वोवल साउंड आ रहा है, इलेक्ट्रिशियन है, यस बता दीजिए किस किस का ठीक है। चलिए नेक्स्ट में चलते हैं आर्टिकल में। मिल्क कोस 50 रुपीज अ लीटर, किस किस का ठीक है, चलिए बता दीजिए। अब तक 6 में से 6 किसके हो गए, ग्रामर में कोई 15 कर डालने थे आपने। कंजंक्शन देख लेते हैं। आई वॉज इल सो आई डिड नॉट गो टू वर्क, बिकॉज आई डिड नॉट गो टू वर्क, एज आई डिड नॉट गो टू वर्क, एंड नो आई वॉज इल सो। मोहन इज एन ओबीडियंट सन एंड ए लविंग ब्रदर, एंड आएगा ही इज रिच, वो अमीर है लेकिन माइजर है बाबा, कंजूस है। माइजर मीन्स पर्सन हु लव्स टू हैव मनी बट हेट्स टू स्पेंड इट, माइजर। तो यहाँ पर कंट्रास्ट आ रहा है, तो यहाँ पर बट आ जाएगा, ठीक है। तो किस किस के आ गए हैं अब तक, 3 में से 3 किसके ठीक हैं। अब आ गई नरेशन पर आ जाइए। आई सेड टू द चिल्ड्रन डू नॉट मेक ए नॉइस, आई फॉरबिड द चिल्ड्रन टू मेक ए नॉइस, यहाँ नोट नहीं आना था ना, ठीक है। जो ऑप्शन हैं बिल्कुल सही हैं, तीनों रॉन्ग हैं, बी ऑप्शन सही है। मुझे बता दीजिए किसका ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नरेशन सबसे मुश्किल लगती है। ये मेरा वीडियो आपने देखा होगा तो आपको आसान लगी होगी। द टीचर सेड ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, द टीचर सेड दैट, वॉज क्यों लगा दिया, पहला हटाओ। द टीचर टोल्ड, नो टोल्ड क्यों लगाया, दूसरा भी हटा दो। द टीचर सेड दैट ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये सेट बैठता है, लेकिन डी पे भी एक बार जाना पड़ेगा। द टीचर आस्क, नो आस्क गलत हो गया, नो नो नो, सी बचा है, बिल्कुल ठीक है, टेंस नहीं बदलेगा, यूनिवर्सल ट्रूथ है, ठीक है, फैक्ट है ये। तो आगे आइए, ये सी ठीक है। ही सेज आई एम इल, He told that she was ill. No. She says to me, no. She said that she was, no. Tense नहीं बदलेगा, बाहर present है तो अंदर भी present ही रहेगा। She says that, ये होना था, D is the right answer. Punctuation very easy. चंडीगढ़, चंडीगढ़ का सी कहाँ बड़ा है, बी और सी में छोटा है, हटा दीजिए इसको, तो ये तो हो ही नहीं सकते। अब रह गया ए और डी, इज का आई बड़ा क्यों है भैया, ए को भी हटाओ, क्या रह गया, डी, डी इज द राइट आंसर। दे सेड टू मी, ये क्या आ गया, इन्वर्टेड कोमा में आ जाइए। अब आर द एप्पल स्वीट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट का वाक्य हो गया ये। दे सेड टू मी, ये सारे बड़े क्यों कर रखे हैं भैया, पहले लेटर को, नहीं ए गलत हो गया। दे सेड टू मी, आर इन्वर्टेड कोमा कहाँ है, दे सेड टू मी आर द एप्पल स्वीट, दे सेड टू मी आर छोटा है, इन्वर्टेड कोमा मिसिंग है, सी इज द राइट आंसर। दिव्यांश हैड ए बनाना एन एप्पल अ पपाया एंड ए मैंगो, तो क्या ठीक है, दिव्यांश हैड ए बनाना, नो 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 नो, बी इज द राइट आंसर, बी ठीक है, बिल्कुल ठीक है। कौन कौन बी ठीक करके आया, चलिए बता दीजिए। ग्रामर में अब तक कितने हो गए हैं आपके, और हम आगे बढ़ते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट वन। मैं नहीं जानता कि आप कौन से 15 करके आए हैं, लेकिन मैंने सारे हल कर दिए हैं आपके लिए। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। माई मदर गोज टू टेम्पल डेली, डेली 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 क्विज है, डेली आपके लिए हिंट है, जहाँ डेली यूजली जनरली आ जाए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, ऐसे या ईएस लगता है या नहीं लगता है वो डिपेंड करता है सब्जेक्ट पर। सब्जेक्ट यहाँ पर माई मदर है तो लगेगा। गोज कहाँ है, बी द राइट आंसर। ही सॉ ए फिल्म लास्ट वीक, लास्ट 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 क्या है, लास्ट इज पास्ट, लास्ट इज पास्ट, पास्ट में क्या होता है वर्ब की सेकेंड फॉर्म, सा, सी सा सीन कहाँ है, सा सा सा, बी 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 इज द राइट आंसर। किस किस का ठीक है, चलिए। वी वर वॉचिंग द टीवी वन स्टार्टेड टू रे, ओ माई गॉड, पज्जो पज्जो मी आ गया, दौड़ो दौड़ो बारिश आ गई, जब हम टीवी देख रहे थे बारिश आ गई थी, ठीक है। अब बता दीजिए 18 की 18 सोल्व कर दिए हैं, आप कौन से 15 करके आए हैं और आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं, अब तक कितने हो गए, 10 रीडिंग के बता दीजिए सर, इसमें से इतने आ रहे हैं, 10 राइटिंग के, चलिए सभी मैं आगे नहीं जाऊँगा, और ग्रामर में 15 रीडिंग 10 में से इतने, राइटिंग 10 में से इतने, और ग्रामर 15 में से इतने, तभी जाऊंगा प्रोज पर, पोइट्री पर, वरना नहीं जाऊंगा बाबा। चलो
बैठे हुए हैं, कितना हो गया टोटल? गुस्सा करूंगा तुम सबको मैं तुम्हारे स्कूल में आकर। बताओ किस किस के स्कूल में आऊं, स्कूल का एड्रेस लिखो। आऊंगा मैं एक दिन सबके स्कूल में आऊंगा, जो जो मेरे सब्सक्राइबर हैं सबके स्कूल में आने का प्लान बना रहा हूं, मिलकर तुम्हें कोई ना कोई चैप्टर पढ़ा के आऊंगा, ठीक है? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आ गए हम प्रोज पर। प्रोज पर वो माई गॉड, इतना ईजी ना प्रोज, फ्री के नंबर, फ्री के। थैंक यू बोर्ड भिवानी, क्या है क्या पूछा था देखिए। हाँ, पहला जो करके आए हैं बता दीजिए। नेम द चैप्टर फ्रॉम विच दीज लाइन्स हैव बीन टेकन, द फन दे हैड ऑब्वियस। इतना अच्छा, मेरा वीडियो देखा था कि नहीं देखा था? देखा था ना, किस किस ने देखा था बताइए सर, हमने देखा था, बहुत अच्छा वीडियो था। नेम द ऑथर ऑफ द गिवन लाइन्स, इजाक एसिमोव, राइट आंसर। ऑन विच डेट, पहली लाइन में डेट थी बाबा 17 मई 2157। हु फाउंड अ रियल बुक, टॉमी इट वॉज। एंड हु टोल्ड मार्गी वंस अबाउट रियल बुक्स, मार्गीज ग्रैंडफादर। किसके पांच में से पांच हैं? चलिए आ जाते हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन का भी, इट वॉज ऑल्सो ईजी वन। कौन कौन इसको भी करके आया है बता दो मुझे। कहाँ से ली गई है ये लाइन्स? अ ट्रूली ब्यूटिफुल माइंड, यस। व्हेन अल्बर्ट लर्न टू स्पीक ही अटर्ड एवरीथिंग ट्वाइस, भोली। दसवीं में पढ़ना आप, ठीक है? दसवीं में मेरे साथ रहना सभी बच्चे। कौन कौन टेंथ की इंग्लिश मुझसे पढ़ेगा? चलिए नाम लिख दीजिए सर, वी वुड लाइक टू कंटिन्यू विद यू, यू आर नाइस, आपके वीडियोस हमें बहुत अच्छे लगते हैं। बताइए व्हाट टॉयज डिड अल्बर्ट लाइक स्पेशली एज ए चाइल्ड, मैकेनिकल टॉयज, यस। व्हाट वॉज द नेम ऑफ अल्बर्ट यंगर सिस्टर? माया, माजा नहीं है ये, अरे बाप रे, माजा, माजा तो वो होती है कोल्ड ड्रिंक, माया, माया, ये ज अ को हम या बोलते हैं, माया, यस। तो ये है फिफ्थ में, व्हाट डिड लिटिल एल्बर्ट से लुकिंग एट हर न्यू बॉर्न सिस्टर, वो बोला अरे इसके टायर कहाँ हैं। मैकेनिकल माइंडेड था ना अल्बर्ट आइंस्टाइन, टीचर से तो जरूर वो डांट खाता था, सारा दिन डांट खाता था, कहता था ये भी कोई पढ़ाई है कि हमें तो क्राइम कराया जा रहा है, फैक्ट्स बताए जा रहे हैं, आइडियाज डेवलप नहीं करने दिया जाता बाबा, ये भी कोई एजुकेशन है? तो वो मैकेनिकल माइंडेड था, कहता है पापा ये मेरी सिस्टर है ना माया, इसके व्हील कहाँ हैं? ठीक है, चलिए नेक्स्ट जो थर्ड करके आए हैं उनके लिए मैं लेकर आया हूँ। ए और बी में 10 में से बता दो कितने आ रहे हैं आपके। चलो बैठे ना रहें, ए और बी वालों का तो हो गया ना, तो आप तो बताओ हैं, आप क्यों नहीं बता रहे हो? गलत हैं क्या सबके? अरे बाप रे, अब मुझे बता ही नहीं रहे मार्क्स, सभी गलत कर आए क्या? नहीं, बता दीजिए सर, हमारे ठीक हैं, हम ए और बी करके आए और हमारे 10 में से 10 हैं, रीडिंग में 10 में से इतने हैं, राइटिंग में इतने हैं और ग्रामर में इतने हैं, और अब तक जो हमने ये सीन पैसेज लेसन्स में से किए हैं, ए और बी किए थे हमने, 10 में से इतने ठीक हैं, आप अच्छा जा रहे हैं सर। तो ये कौन से में से था? बॉन्ड ऑफ लव में से, और इसके राइटर किनेथ एंडरसन, और ऑथर हिमसेल्फ हैं आई इसके अंदर, और उनको डाला गनी बैग में, और द ऑथर प्रेजेंटेड द स्लॉथ बियर टू हिज वाइफ। चलिए अब बता दीजिए किस किस के ठीक हैं, ठीक है प्यारे बच्चों? और ऐसे टाइप क्वेश्चन 5 नंबर का आया हुआ था, ये बताइए कौन कौन करके आए हैं और किस किस का ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम, ऐसे टाइप पे डिस्कशन नहीं करेंगे। चलो हाँ, इन पर यानी 4 करने हैं। देखिए आप बी हाइव के 2-2 नंबर के 4 आए हुए हैं। व्हेन वाज एवलिन्स डेफिनेट फर्स्ट नोटिस्ड? व्हेन शी वाज 8 एंड व्हेन वाज इट कंफर्म्ड? व्हेन शी वाज 11, यस। लिख दीजिए, इतना ही तो था, 2 मार्क्स मिल जाते बाबा। किस किस का ठीक है? 8 पर नोटिस हुआ, 11 पर कंफर्म हो गया। और औरंगजेब ने बैन क्यों लगाया पुंगी पर? क्योंकि उसकी साउंड हार्श थी, श्रिल थी बाबा, करण प्रिय नहीं थी, चुभती थी कानों को, बोला बैन लगाओ इस पर, ये भी कोई बाजा है, और कुछ ढूंढ कर लाओ। फिर आए उस्ताद बिस्मिल्ला खान और बनाई शहनाई, यस। हु वर अब्दुल कलाम चाइल्डहुड फ्रेंड्स? रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिवा प्रकाशन, इट वॉज, यस।
अरे बाप रे, 2 नंबर, कितना आसान था। संतोष का एनवायरनमेंट के बारे में था कि 500 किलोग्राम गार्बेज हिमालय से वो उठाया उसने और नीचे लेकर आई, गंदगी को साफ किया वहाँ पर। ब्रूनो 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 ऑथर्स वाइफ्स पैट स्लॉथ बियर था, और राइटर कहाँ से लाया, व्हेन ही वाज पासिंग थ्रू सुगर केन फील्ड्स नियर मैसूर, वहाँ उसको वो मिला। ठीक है, आप बताओ किस किस का ठीक है, चलो आ जाओ। और स्नेक ट्राइंग पोम आ गई है, तो कौन सी पोम है, स्नेक ट्राइंग पोइट। मैंने कहा है कि हर पोम और पोइट को याद कर लो, 2 नंबर तो पक्के हैं। तो ये देखिए आप, एक ही स्टेंजा आया इसके अंदर स्नेक ट्राइंग में से, और WWE रॉस कौन करके आया है, चलिए बता दीजिए। ठीक है उनका जो WWE रॉस करके आए हैं। व्हाट वाज द स्नेक ट्राइंग इन द पोम, पोम होता है, पोयम नहीं होता है, पोम कहते हैं। टू एस्केप, बचना चाह रहा है वो, क्योंकि उसको सोटी पड़ने वाली है बाबा। व्हाट इज द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप फ्रॉम इन द पोम, परस्यूइंग स्टिक से, और द पोम रिवॉल्व्स अराउंड ए हार्मलेस स्नेक। कभी कहता है नुकसान नहीं पहुंचाते हैं इंसान, तो क्यों इनको मारता फिरता है। 100 वर्ड में एक और आ गया है सप्लीमेंट्री मूवमेंट का, वेरी इंटरेस्टिंग। द लॉस्ट चाइल्ड में से क्या क्या वो चाहता है, कभी टॉय शॉप पर कहता है टॉय ले दो बापो, बर्फी ले दो ना, नहीं लेकर देते, अरे इतना बड़ा हो गया आप टॉय से खेलेगा। ड्रैगन फ्लाई, फ्लावर्स, गार्लैंड, बैलून्स, ओ माई गॉड, डिफरेंट कलर बैलून को अट्रैक्ट करते हैं। स्नेक चार्मर दिखा दो पापा, और राइड इन अराउंड अबाउट, पापा झूले खिला दो, यहीं से तो वो गुम हो जाता है। तो ये सब लिख देना था आपने, कौन कौन लिख कर आए हैं ऐसा 5 नंबर का, तो बता दीजिए अब तक कितने हो गए हैं आपके। चलिए लास्ट वन बट नॉट द लीस्ट वन क्या रहा है, 2-2 नंबर के क्वेश्चन, 3 करने थे 30 से 40 शब्दों में। ये क्या है, 2 स्ट्रेंज बातें। अजय जब गुरु और डिसिपल गए वहाँ पर, तो ये क्या, देसा दैट ऑल यूज टू वर्क एट नाइट एंड स्लीप ड्यूरिंग द डे। अरे बाप रे, ये तो कोई मूर्खों की राजधानी है, अरे मूर्खों की तो थी किंगडम ऑफ फूल्स। एंड प्राइस ऑफ एवरीथिंग वॉज 1 डू, वट एवर यू वॉन्ट टू बाई राइस बनाना एनीथिंग यू हैव टू पे जस्ट 1 डू। अरे बाप रे, किंगडम ऑफ फूल्स, तो यही लिखना था, 2 नंबर ले लेने थे। और हैप्पी प्रिंस ने रूबी सीमस्ट्रेस को क्यों दिया, उसका जो था पुअर बॉय ही वॉज हैविंग फीवर एंड ही वॉज डिमांडिंग ऑरेंजेस, बट शी हैड ओनली वाटर फॉर हिम, सो वो गया और उसने उसको वो दिया रूबी, और उसके पंखों से बॉय को हवा भी की विंग्स से। तो ये सब लिखना था। जोनसी की इलनेस क्या थी, अरे निमोनिया था बाबा उसको, और कैसे वो ठीक होनी थी कि विलिंगनेस टू लिव, मुश्किल लगा क्वेश्चन पेपर, विलिंगनेस टू फाइट, मैं करूँगा, मैं पढ़ूँगा, अब मुश्किल हुआ आगे नहीं होने दूंगा, सर के लेसन पढ़ूंगा, 10वीं में सर से पढ़ूंगा इंग्लिश। ठीक है, तो ये थे 3 क्वेश्चन प्यारे बच्चों। अब बता दीजिए मुझे कि 80 में से आपका कितना स्कोर होने वाला है, और 3-2 विषय का लिख दीजिए। अब लिखिए हिंदी में इतना, ये लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, पहले उसको देख लो, सोल्यूशन दिए हैं, आगे भी लेकर आ रहा हूँ मैथ के भी, साइंस के भी, और अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट बता दीजिए मुझे। चलिए कमेंट सेक्शन में कि सर मेरे पास संस्कृत है उसका जरूर डालना, मेरे पास IT है उसका जरूर डालना, मेरे पास ऑटोमोबाइल है उसका जरूर डालना, डाल दूंगा, मेरे पास पंजाबी है पंजाबी के भी डाल दूंगा, हमारे पास हर सब्जेक्ट का एक्सपर्ट है विजय कुमार माई न्यू क्लासरूम चैनल पर। तो आप लिखिए कि सर हिंदी में 80 में से इतने आ रहे हैं, इंग्लिश में पूरे बटा पूरे आ रहे हैं, और SST में इतने में से इतने आ रहे हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा, अगर ऐसा है तो लाइक का बटन दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का आइकन जरूर दबाइएगा, दोस्तों में शेयर भी तो करना बनता है अच्छी चीज़ को, उनको भी तो फ़ायदा हो जाए। और मुझे बताओ कि सर मैंने आपका ये वीडियो इस फ्रेंड को अपने शेयर किया है, ठीक है, और कमेंट जरूर करना मुझे। बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक, साइंस मैथ और ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए भी मिलते हैं, आंसर की मैं लेकर आऊँगा। गॉड ब्लेस यू माई चिल्ड्रन, थैंक यू, लव यू ऑल, यू ऑल आर फैबुलस वंडरफुल।